प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली परंपराओं को किनारे रखते हुए नई परंपराओं को शुरुआत करने का फैसला कर लिया है। इसी परंपरा के तहत पुलिस महानिदेशकों की जो बैठक अमूमन दिल्ली के विज्ञान भवन में होती थी, वह इस बार गुवाहाटी में आयोजित की गई। 2 दिवसीय पुलिस महानिदेशकों और मुख्यमंत्रियों की बैठक की शुरुआत गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की और आज समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के आला अधिकारियों और गुप्तचर एजेंसियों के प्रमुखों को महत्वपूर्ण सलाहें दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस वालों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक 33,000 पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने अपनी शहादत दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में जिस तरह से आतंकवादियों के आत्मघाती हमले और आक्रमण होते रहते हैं, उसको देखते हुए हम लोगों को इनसे निपटने के लिए कारगर रणनीति अपनानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें चाणक्य नीति का अनुसरण करते हुए शास्त्र और शस्त्र पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर देश में शांति कायम रखना है और आतंकवादियों से सख्ती से निपटना है तो हमारी गुप्तचर एजेंसियों को चुस्त दुरुस्त करना होगा। गुप्तचर एजेंसियों की सक्रियता के कारण ही जो है इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों से निपटा जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी शासन को चलाने के लिए गुप्तचर तंत्र का मजबूत और कारगर होना नहायत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में अपने मातहत मंत्रियों को भी संदेश देने का प्रयास किया है कि वे इस बात से अच्छी तरह से सजग रहें कि उनके पीछे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुप्तचर सक्रिय हैं और उनके कोई भी असंवैधानिक कार्य की खबर प्रधानमंत्री तक निश्चित तौर पर पहुंच जाएगी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के हिसाब से उस मंत्री को किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में शहीद हो चुके पुलिस वालों को श्रद्धांजलि सच्ची तभी दी जा सकती है जब सभी राज्यों के पाठ्यक्रमों में उन लोगों की जीवनी के बारे में भी नए पुलिस अधिकारियों को पढ़ाया जाए जिन्होंने देश के सुरक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। इस तरह से नए भर्ती हुए पुलिस अधिकारियों को एक प्रेरणा भी मिलेगी और हम जिन लोगों ने देशवासियों की शांति और सुरक्षा के लिए अपनी जान समर्पित की है उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गुप्तचर एजेंसियों के कामयाब और वरिष्ठ अधिकारियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली से लगता है कि पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो ना भ्रष्टाचार करना चाहता है और ना ही भ्रष्ट मंत्रियों अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने का उसका मन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी सत्ता संभाले मात्र 6 माह ही हुए हैं लेकिन इन 6 माह के कार्यकाल के दौरान अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह की आलोचना जनता की तरफ से नहीं झेलनी पड़ी है। राजनीतिक दल दुर्भावना में उनकी आलोचना भले ही करते हों लेकिन आम मतदाता जिसने पूर्ण बहुमत में नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए मौका दिया है, वे मतदाता नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से प्रसन्न हैं। किस्मत की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें भी घट रही हैं और आए दिन डीजल और पेट्रोल के दाम घटते हैं जिससे महंगाई भी
नीचे आ रही है। ये सब चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जा रही हैं। अब विपक्षी दल और विरोधी चाहे इसको किस तरह से भी प्रस्तुत करें, लेकिन आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। हो क्यों ना, अगर कोई आदमी सकारात्मक रूप से देश के लिए कुछ करना चाहता है तो उसके साथ ऊपर वाला भी साथ देने को तैयार हो जाता है। और फिर मतदाता तो अब विकास चाहते हैं। अब मतदाता भी जो है ये समझ गए हैं कि वोट की क्या कीमत है और वोट किस राजनीतिक दल को उसको देना चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनावी अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की जोर शोर से लोगों से अपील की है। अगर जम्मू कश्मीर और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस चुनाव में बीजेपी के आसपास भी नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर प्रत्याशियों के चयन में सही नीति नहीं अपनाई गई तो दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कुछ मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सारी राजनीतिक गतिविधियों को समझते हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन बहुत सोच समझ कर किया जाएगा और ऐसे प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को मजबूत टक्कर देकर भारी वोटों से शिकस्त दे सकने में सक्षम हों। दिल्ली विधानसभा चुनावों की अधिसूचना बहुत जल्द जारी होने वाली है। उसके बाद से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के ऊपर चुनाव में प्रचार के दौरान पैसा खर्च करने की सीमा निर्धारित हो जाएगी। इस बात को देखते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी बस शेल्टर होल्डिंग्स पर अभी से कब्जा कर लिया है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर मतदाताओं को रिझाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये राजनीतिक दल करोड़ों रुपए जो है चुनाव से पहले ही खर्च कर देना चाहते हैं ताकि जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें, क्योंकि चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पैसे का हिसाब किताब देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर अत्यधिक पैसा खर्च कर चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल ने समूचे दिल्ली में बस शेल्टर और होल्डिंगों को खरीद कर किराए पर लेकर अपने फोटो और बैनर चस्पा कर दिए हैं। ये जनता से लिया गया चंदा चुनाव के प्रचार में खर्च करना कहां से नैतिकता की बात कही जा सकती है। अरविंद केजरीवाल दूसरे राजनीतिक दलों को राजनीति सिखाने की बातें करते थे और अपने एक नए तरीके से चुनाव प्रचार करते थे, उस तरीके को इस बार क्यों नहीं अपना रहे हैं। वे खुद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कारपोरेट प्रचार का विरोध करते थे और अब कारपोरेट घरानों से लगता है पैसा लेकर या ब्लैक मनी को लेकर ये जो है पूरा प्रचार तंत्र तैयार किए हुए हैं। इससे इनकी नीयत पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मुकाबला करना है तो आम आदमी पार्टी को आम जनता के बीच में उसी परंपरागत तरीकों से बैनर पोस्टर हाथ में लेके जाना चाहिए और जनता से डायरेक्ट सीधे तौर पर संवाद स्थापित करना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह करोड़ों रुपए खर्च कर चुनाव लड़ती है तो उसमें और इन राजनीतिक दलों में क्या फर्क रह जाएगा। फिर वही बात घूम के सामने आती है कि जब एक विधायक करोड़ों रुपए खर्च कर विधानसभा में सदस्यता हासिल करेगा तो वो जनता के लिए विकास कार्यों को करने के बजाय उस खर्च किए हुए पैसे को पहले निकालने का काम करेगा और जिन भूमाफियाओं, व्यापारियों और काला धन वालों से उसने आर्थिक सहायता ली है उनके लिए ही काम करेगा, ना कि आम जनता के लिए। इन बातों को सोचने के
की जरूरत है और अरविंद केजरीवाल को ये जान लेना चाहिए कि अब उनकी इन सब हरकतों की वजह से आम जनता के बीच में उनकी छवि दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है, जिसका खामियाजा उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। रही बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो वे दोनों पार्टियां इतनी ज्यादा पुरानी है और भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र में जो है सत्ताशीन हो चुकी है, इसलिए उसके ऊपर पैसा लगाने वाले बहुत लोग हैं। हालांकि पैसे से चुनाव लड़ने से भाजपा और कांग्रेस को भी बात आना चाहिए। वहीं मेरा चुनाव आयोग से ये आग्रह है कि उसको ऐसी सख्त दिशा निर्देश बनाने चाहिए जिनको सख्ती से जो है लागू किया जा सके और चुनाव के दौरान अत्यधिक पैसे का इस्तेमाल रोका जा सके, तभी स्वच्छ और निर्भीकता से निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। इस दिशा में चुनाव आयोग को सख्ती से काम लेना होगा, तभी चुनाव साफ सुथरे हो सकते हैं।